अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा बिहार द्वारा 6 दिसंबर से पूर्वी चंपारण के बौद्ध स्तूप केसरिया से आयोजित आरक्षण अधिकार पदयात्रा के दौरान बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी पैदल चलकर शनिवार के दोपहर लालगंज पहुंचे, जहां लंगड़ी पाकर चौक पर गाजा बाजा के साथ मत्स्य जीवी सहकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रयाग सहनी, उपाध्यक्ष दिनेश सहनी के साथ साथ कई लोगों के द्वारा फूलों की माला पहनाकर एवं बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद महाराणा प्रताप चौक पर मंत्री मदन सहनी के द्वारा महाराणा प्रताप के मूर्ति पर माला अर्पण किया गया तथा बताया गया कि आरक्षण अधिकार यात्रा आज 5वें दिन लालगंज पहुंची है। यह यात्रा केंद्र सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ निकाली गई है। बिहार सरकार के द्वारा अति पिछड़ा वर्ग को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल करने के लिए इथनोग्राफिक रिपोर्ट के आधार पर अनुशंसा पत्र भेजा गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक नहीं माना है। जब तक अति पिछड़ा समाज को अनुसूचित जाति जनजाति में शामिल नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। शनिवार को लालगंज में एक निजी विवाह भवन में पद यात्रा का ठहराव हुआ। वहीं रविवार की सुबह करीब 10 बजे लालगंज से पटना गांधी मैदान के लिए पुनः पद यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल होंगे। इस यात्रा में राष्ट्रीय संगठन प्रभारी संजय सिंह निषाद, विधान पार्षद भीष्म सहनी समेत कई लोग शामिल हुए। बताएंगे ना, हम लोग तो मांग रहे हैं, हम लोग को तो आज दे देंगे तो आज हम लोग खुशी खुशी से उनका स्वागत करेंगे, नहीं देंगे तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो आप आगे भी ये मतलब जो आंदोलन है वो जारी रहेगा? ये तो अभी आंदोलन अभी तो 3 दिन बाकी है, अभी तो इसके बाद फिर हम लोग अगर उनका हो गया इस पर फैसला तो खुशी की बात है, स्वागत करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम लोग बैठ करके रणनीति बनाएंगे, लेकिन यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हम लोग को भारत सरकार आरक्षण नहीं दे। 7 दिन का ये आपका जो मार्च है, इसमें आपका सुनते हैं कि 5वां दिन है, आपका पैर में हम लोग उस पर कोई फोकस नहीं है, उस पर कोई फोकस नहीं है और उसका कोई औचित्य महत्व नहीं है। हमको जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा, हम अति पिछड़ा भाई को जिस दिन आरक्षण मिल जाएगा, उस दिन हमारा सारा घाव, सारा मन का मैल, सारा दुख दर्द भूल जाएंगे और उस दिन सबसे ज़्यादा हम लोग पूरा बिहार के लोग खुशी मनाएंगे, होली और दिवाली मनाएंगे। अच्छा, अंतिम सवाल है कि केसरिया से मतलब कि आप यहाँ आए, 5वां दिन है, तो लोगों का मतलब कि समर्थन कितना मिला? आप खुद जा कर के सर्वे कर लीजिए, हजारों लाखों लोगों ने स्वागत किया है और इसमें शामिल हुए हैं और अभी आप देखिएगा पटना तक कितना हुजूम जनता जिंदाबाद। सहयोग के लिए आपके चैनल मदन सहनी नहीं बल्कि पूरा अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा और हमारे जितने अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, आपको कोटि सह आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को अपनी आवाज़ समझा और इसको जन जन तक पहुंचाने के माध्यम से आप मोदी जी को क्या बोलना चाहते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी को हम चाहेंगे कि सबसे पहले तो वो बड़े बड़े चैनल को ना देखे, इस चैनल को भी देखे, आपका भी चैनल कोई छोटा नहीं है, हजारों लाखों लोग देखे, प्रधानमंत्री जी भी देखे आपके चैनल के माध्यम से कि लोग चाहते हैं कि आरक्षण मिले और प्रधानमंत्री जी देखेंगे तो निश्चित रूप से वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे।